हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 को रीड कर लिया था। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट में ए पार्ट में गिवन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, What do we find in the rivers, lakes and ponds? हम नदियों, झीलों तथा तालाबों में क्या पाते हैं? We find water in the rivers, lakes and ponds. हम नदियों, झीलों तथा तालाबों में जल पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 4, व्हाट एक्टिविटीज इन द इन सॉरी फॉर व्हाट एक्टिविटीज इज वाटर यूज्ड, किन किन गतिविधियों में पानी का उपयोग किया जाता है? वाटर इज यूज्ड इन ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, फ्लशिंग, वाटरिंग प्लांट्स, etc. एक्टिविटीज। पानी का उपयोग पीने, स्नान करने, कपड़े धोने, शौच स्थल साफ करने, पौधों को पानी देने आदि गतिविधियों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, डू यू कीप द टैप ऑन व्हेन यू ब्रश योर टीथ और बात, क्या आप दांतों में ब्रश करते समय या स्नान करते समय नल की टोंटी को चालू रखते हो? नो, वी डू नॉट कीप द टैप ऑन व्हेन वी ब्रश अवर टीथ और बात। नहीं, हम दांतों के ब्रश या स्नान करते समय नल की टोंटी को चालू नहीं रखते। क्वेश्चन नंबर 4, डज योर मदर कीप द टैप ऑन व्हाइल वॉशिंग द यूटेंसिल्स, क्या आपकी माँ बर्तन धोते समय नल की टोंटी को चालू रखती है? नो, माई मदर डज नॉट कीप द टैप ऑन वाइल वॉशिंग द यूटेंसिल्स। नहीं, मेरी माँ बर्तन धोते समय नल की टोंटी को चालू नहीं छोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 5, डज योर फादर वेस्ट वाटर वाइल शेविंग, क्या आपके पिता दाढ़ी बनाते समय